नमस्कार, अरुणाचल न्यूज 24 से आप सभी का स्वागत है। देखते हैं सुर्खियां। APPSCCE मुद्दे पर कोर्ट ने दिया जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का आदेश। दालमिया एमटीबी अरुणाचल की सेकेंड एडिशन का हुआ फ्लैग ऑफ। देहरानाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित होगी दो दिवसीय नेशनल सेमिनार। और ऑल तालुल एरिया स्टूडेंट यूनियन ने कॉन्ट्रैक्टर और आरडब्ल्यूडी के खिलाफ की कंप्लेंट को लिया वापस। अब खबरें विस्तार से। APPSCCE के पीड़ित एस्पायरेंट्स और APPSC के बीच के कोर्ट के मसले पर 14 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपने धरने को जारी रखने की बात कर रहे हैं, जब तक कमीशन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है। देखिए, आज जो हुआ है एक बहुत पहले से जो हम लोग इसी के लिए ही बोलता आ रहा है, यही हमारा मैसेज था कि देखिए पहले से जो केस में सब्जुडाइस है, ठीक है, जो दो सिर्फ एक केस नहीं है, वो कॉमर्स वाला केस नहीं है और एक केस है, ठीक है, दो केस अगेंस्ट द APCS है पहले से ही। और आज का जो वर्डिक्ट था कि अंडर द वाइस चांसलर ऑफ RGU, अंडर द वाइस चांसलर ऑफ RGU ये होगा, एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाया जाएगा जो अनामलीज, ठीक है, और जो गलतियाँ उसको देखा जाएगा कि कितना गलती हुआ है, ठीक है, और उसका बेसिस पे कोर्ट आगे फर्दर डिसीजन लेगा, ठीक है। और एक बात ये भी है कि APCS खुद ये भी बोला है कि 49 क्वेश्चंस वो उसका आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि हम लोग पहले से यही हम लोग बोलता आ रहा है कि एनामलीज है, प्लीज़ ये कोर्ट का डिसीजन को पहले पूरा कंप्लीट कर लो, इसके बाद मेंस कराएं। हम नहीं चाहते कि ये दो प्रीलिम्स देने के बाद हम दो बार मेंस दें। अगर क्वेश हो जाता है तो व्हाई शुड वी गिव मेंस ट्वाइस, ये बात है। यही पहले से ये लोग का आता, यही चलता आ रहा है, यही क्वेश्चन किया गया था। तो अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये श्योरली एक पॉजिटिव साइन है फॉर दिस एग्रीव। ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो इतना सारा लोग है, ठीक है, जो मोर देन इसका यही कारण है जिसका वजह से मोर देन 50% आदमी एस्पिरेंट्स वो मेंस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग को यही डर है कि हमें दो बार मेंस नहीं देना है। प्लीज़ ये पहले ये जो कोर्ट केस है उसको पहले कंप्लीट कर लो, इसके बाद हमें मेंस देने दीजिए। फर्दर स्टेप तो देखिए, हम लोग आखिर लास्ट तक हम लोग लड़ना चाहता है, ठीक है, और ये है कि अभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ सिविल सोसाइटीज़ है एंड इवन CM, इवन हमारा जो गवर्नर, ये लोग के पास रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग भेजेंगे, ठीक है, और उसको देखते हुए हम लोग आगे। अभी देखिए अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा केस, हमारा ये जो है ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कल आज का डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन देखकर बहुत लोग कल एग्ज़ाम देने भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लोग को भी पता चल रहा है कि देखिए ये डायरेक्ट नालीफाई भी हो सकता है कोर्ट का केस, कि डायरेक्ट क्वेश हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें मेरा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, प्रोटेस्ट तो ज़रूर कंटिन्यू होगा, ये आखिरी दम तक हमारा चलता रहेगा, जब तक आप लोग को मेंस दोबारा देना ना पड़े, हाँ ये ज़रूर होगा। हमारा यही मांग है कि पूरा हो जाए, पूरा केस सॉल्व हो जाए, तब अगर मेंस होता है तो चलिए हम है। और आपको पता है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो पार्टी टू द केस नाउ। हाँ, ये मुझे ये आइडिया हुआ, इंटीमेशन हाँ, आया। तो आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट पॉजिटिवली आप वो किस रीज़न से शायद इस केस में घुसना चाहते हैं? देखिए इसका पीछे का जो रीज़न है वो ये मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चलिए वो अगर वो पार्टी है
एंड ये मेरा अंदर का जो दिल ये कहता है कि वो पॉजिटिव वे में लेना चाहता है, कि वो चाहते हैं, वो भी ये जैसा सीएम सर ने खुद कहा कि एस 50% ऑलमोस्ट 55% जब नहीं दे रहा है एग्री, ये जो मेंस एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही जो सीएम सर ये कहा था कि ये एक सीरियस इशू है, तो इसीलिए मे भी यही कारण है कि वो एक कोर्ट में पार्टी बना और वो ये चीज़ को सीरियसली ले रहा है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। दालमिया एमटीबी अरुणाचल हॉर्नबिल्स फ्लाइट इंटरनेशनल रेस की दूसरी एडिशन का आज एमओएस किरण रिजिजू द्वारा ईटानगर में फ्लैग ऑफ किया गया। एमटीबी अरुणाचल राज्य में आयोजित होने वाली एक माउंटेन बाइक रेस है। मैं बहुत खुश हूं कि जो चीज हम लोग ने सोचा वो लगातार जमीन पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सबका योगदान जरूरी होता है, वॉलंटियर से लेकर के गवर्नमेंट सपोर्ट से लेकर के वहाँ के लोकल लोगों का समर्थन चाहिए। सबके समर्थन से ही कोई भी इवेंट पूरा हो सकता है। इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं, ये हमारा सामूहिक सक्सेस है। दिस इज ए कलेक्टिव सक्सेस बिकॉज इट इज ए कलेक्टिव एंडेवर। वी हैव टू रिफ्लेक्ट आवर पोटेंशियल and the reflection of our potential has to be reality. Whatever the place offer, it has to be unique. If you have to sell your piece, your item, you have to place it with proper package, with full attraction, with proper finishing touch. The offer which Arunachal can give cannot be offered by many other destinations. Every location has its own potential. We are very nascent with regards to adventure tourism and with regards to conventional tourism also. Arunachal is a new emerging state, geographically quite large, but in terms of economic progress, in terms of size of our economy, in terms of our achievement in various sectors, we are still new. We are still very emerging state. So the best way to project Arunachal is to showcase what is the best we have in Arunachal, which others cannot offer. Within the Himalayan region also, what Ladakh can offer, we cannot offer. What Arunachal can offer, the other states cannot offer. So Arunachal is a unique place. This is one of those very few motorbiking event where you will start from very tropical, low-based location like Itanagar, lush green, very, very interesting biodiversity-wise also, culturally, in every sense, it's very colorful, and the journey will end in the picturesque, the temperate coniferous region of Mechuca. This is one event where you will be spending nights in various spots and you will see the landscapes, the cultural landscapes of Arunachal, the beauty of Arunachal will be throughout on your journey. You are going to enjoy it. 15 और 16 नवंबर को ईटानगर के देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के जुबली हॉल में कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कोलकाता के जादवपुर एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मिलकर दो दिवसीय सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक रहेगा एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, इंडियाज वे टू ए न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेसी। इस सेमिनार को सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स न्यू दिल्ली और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली। इस नेशनल सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रदेश और प्रदेश के बाहर से लगभग 100 एकेडमिशियन भाग लेने वाले हैं। इसी पर बोलते हुए देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एन टी रिकम ने बताया कि इस दो दिवसीय नेशनल सेमिनार के पहले दिन मुख्य अतिथि रहेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा और वेलेडिक्टरी कार्यक्रम के दिन राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा मुख्य अतिथि होंगे।
सेमिनार के कन्वेनर हैं कॉलेज के इकोनॉमिक्स के हेड और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आर के मंडल। वी आर हियर टू ब्रीफ यू अबाउट द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एज वेल एज नेशनल सेमिनार दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड टुडे एज टुमारो एंड डे आफ्टर। दिस इज a joint venture Jadavpur Association of International Relations based in Calcutta and Department of Economics Dehradun Government College Itanagar, and this is being supported by three bodies, three organizations. One is Policy Planning and Research Division of Ministry of External Affairs, Government of India. Then the International Council of World Affairs and ICSSR, Indian Council of Social Science Research. In this seminar, many renowned academicians from across the country, they are participating, they are reaching tonight, this evening, mainly from Calcutta, Mumbai and Delhi, apart from academicians of Arunachal Pradesh, academic institutions, university, colleges of Arunachal Pradesh. We are expecting more than 100 participants. There will be more than 100 papers to be presented in these 2 days seminar. Here on inaugural day, inaugural session, Professor Sakit Kosawa, Honorable Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University, he is supposed to address us tomorrow at 10 a.m. And after that, we will have academic sessions. Parallel sessions will be there, 2-3 sessions together, running together in the college campus. Then day after, we'll have a valedictory session where our Honorable Governor of Arunachal Pradesh, he is gracing the occasion. And he will address the valedictory function. On this auspicious occasion, I would request all like-minded people, especially who are interested on the topic, that is Act East policy through Northeast, India's way to a new era of diplomacy. So those who are interested on this topic, you are welcome to join us in these 2 days seminar. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऑल तालु एरिया स्टूडेंट्स यूनियन ने ये कहा कि यूनियन ने जो सितंबर की 20 तारीख को एक कंप्लेंट दर्ज किया था कॉन्ट्रैक्टर और आरडब्ल्यूडी के खिलाफ, उस कंप्लेंट को वो वापस ले रहे हैं। यूनियन ने आगे ये भी बताया कि अक्टूबर की 12 तारीख को यूनियन ने संबंधित मुद्दे को लेकर आरडब्ल्यूडी के साथ एक मीटिंग बैठे, जिसमें आरडब्ल्यूडी ने यूनियन को ये आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर वे काम को पूरा कर देंगे। आरडब्ल्यूडी कि इसी फैसले के चलते यूनियन ने बताया कि वे अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। इसी पर आगे और क्या कहना था यूनियन का, चलिए देखते हैं। वी आवर यूनियन हैज फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर एंड द डिपार्टमेंट। सो आफ्टर दैट, आफ्टर आवर कंप्लेंट, वी हैड अ मीटिंग विद द डिपार्टमेंट। सो एट डूइंग द मीटिंग, डिपार्टमेंट हैज एश्योर्ड अस दैट they will complete the work within 3 months. so the purpose of calling this press conference is that we want to send a message that we are withdrawing our complaint, only for the purpose that they had assured us that they will complete the work within 3 months. तो डिपार्टमेंट जो हमें एक फोन बाइज उन्होंने एक
एश्योर लेटर हमें भेजा है उसमें क्लियरली लिखा है स्लिप क्लियरेंस और रोड का जो स्लिप क्लियरेंस है उसको कंप्लीशन कर देगा। उसके बाद दूसरा जो है जो स्टेज वन का रोड क्लियरेंस को कंप्लीशन कर देगा और दूसरा जो है 3 मंथ के अंदर वो कंप्लीशन कर देगा। और हमारा जो तीसरा पॉइंट जो है रोड जो है मोटरेबल होना है, हमारा अतासु की ओर से हमने कंप्लेन किया था रोड जो है मोटरेबल होना है। तो दूसरा पॉइंट में रोड जो है मोटरेबल वो लोग कर देगा बोला है, जिस कारण से आज हम इशू को वापस ले रहा है। और तीसरा पॉइंट जो है जो सिक्योरिटी माइनिंग है उसको वो लोग कुछ नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा जब तक अंटिल जब काम जो है कंप्लीशन नहीं होता है तब तक रिलीज नहीं करेगा। तो और चौथा पॉइंट जो है हमारा जो इंजीनियरिंग जो एग्जीक्यूटिव जामिन जो है उन्होंने कहा है इनकेस रोड को 3 मंथ के अंदर वे कंप्लीशन नहीं करते हैं तो हमारा अतासु जो है इशू को फिर से रिकॉल आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्पेशली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने का रीजन। जो आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, और साथ ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.arunachalnews24x7.com पर। और खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे। नमस्कार।